इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जब आप जियो सावन का जो आईडी वगैरह पासवर्ड है उसे रिसेट करने की कोशिश करते हो या फिर फॉरगेट करते हो अपने पासवर्ड को, तो वहाँ पर जो है इस तरीके से लिखा आता है। इसमें इनकरेक्ट यूज़र नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड लिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से फिक्स करें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से लिखा रहा है, इनकरेक्ट यूज़र नेम ईमेल प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मैं यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन बताऊँ, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है अपना ईमेल जो भी फॉरगेट करना होता है वो यहाँ पर ईमेल डालना होता है या फिर आपका यूज़र नेम डालना होता है जियो सावन का। ठीक है, जियो सावन का यूज़र नेम हमें डालना होता है। बट हमें करते हैं कि जब हमें जियो सावन का यूज़र नेम डालना होता है तो हम गलत तरीके से फील करते हैं। ठीक है, गलत तरीके से यहाँ पर अगर आपका कुछ फील हो जाता है तो इस केस में यहाँ पर ये लिखा आता है कि इनवैलिड यूज़र नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, अगर आपका मतलब इस पर अकाउंट है पहले से, अगर आप पासवर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको वही ईमेल या फिर वही जीमेल यहाँ पर लगाना चाहिए जो आपने अकाउंट बनाते समय दिया था। बेसिकली हम यहाँ पर नया जीमेल डाल देते हैं या फिर कोई लेटर वगैरह मिस हो जाता है जीमेल का, जो कि हमारा मतलब गलत तरीके से यहाँ पर फील हो जाता है एंड उस केस में जो है हमें प्रॉब्लम दिक्कतें आती है, इनवैलिड बताता है, क्योंकि जियो सावन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति का जो है अकाउंट बना ही नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पर गलत मेल ईमेल आईडी फिल करते हैं। अगर आपके पास यूज़र नेम है तो सबसे अच्छा तरीका तो यूज़र नेम ही डालना होगा। अगर आप यूज़र नेम डालते हैं, सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करिए, आपको जो भी आपका जीमेल ईमेल इस जियो सावन के अकाउंट से लगा होगा उसके ऊपर आपको लिंक भेजी जाएगी एंड वहाँ से आप जो है उस लिंक पर क्लिक करके या फिर डायरेक्टली वहाँ से आप पासवर्ड को जो है चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर गलत तरीके से फिल करते हैं, मान लीजिए आपका जीमेल ईमेल जो है आपने उसमें कुछ लेटर आप मिस कर देते हैं, उस केस में जो है आपको दिक्कतें प्रॉब्लम आ सकती है आती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।